look at this. तो मैं ले रहा हूँ कोल्ड ड्रिंक और ये शायरी बोला है प्रियंका दीदी ने। ओ आज पूरी में व्हाट्सएप पंडालो बोल रहा है हेयर स्टाइल क्या किए हैं सर, ये हेयर स्टाइल बड़ा अच्छा लग रहा है, दिखा टर्न कर। वाह ब्रो तेरा हेयर स्टाइल पे पंडित जी फिदा हो गए थे। सो अभी ये लोग हॉल्ट लिया है फॉर दिस, तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिस्किट मिल रहे हैं, चेकरबोर्ड बिस्किट, ये सब बचपन में खाया करते थे। और यहाँ बन रही हमारी चाय और ये हाजमोला मैंने लिया है, देखो कोका कोला फ्लेवर का हाजमोला और नॉर्मल। खाया है कभी ये सब बिस्किट, कमेंट करके बताओ। आज हम आपको दिखाएंगे बुल फाइट, मैं तो वैसे ही खा खा के भूल हो गई। है वरना एक्सपीरियंस है। उड़ीसा में अगर कोई पागल खाना हो तो आप लोगों को कॉन्टैक्ट कर दीजिए नीचे कमेंट में। सो पुरी से हम निकल चलिए टूवर्ड्स चिलिका ढाबा। हम लोगों का बीच में प्लान था चिलिका लेक जाने का, बट समहाउ हम जा नहीं पाए बिकॉज ऑफ आवर टाइट स्केड्यूल एंड टायर्डनेस। बट अगर आप कभी प्लान करते हैं तो डेफिनेटली चिलिका लेक घूम के ही चिलिका ढाबा जाइएगा खाने, बिकॉज चिलिका लेक इज़ डेफिनेटली अ वर्थ विजिटिंग प्लेस, जहां आपको डॉल्फिन्स देखने को मिलेंगी। और लोकल लोगों से बात करके पता चला अगर डॉल्फिन देखना है तो आपको अर्ली मॉर्निंग जाके बोटिंग करनी पड़ेगी, तभी शायद आपको डॉल्फिन मिले देखने को। सो दिस इज हाउ चिलिका ढाबा लुक्स लाइक। So let's see what's there in the menu today. Oh, आज का लिखा था पनीर बटर मसाला, मशरूम मसाला, प्लेन हांडिया, नान, पोटैटो, कैबेज, चना मसाला। ये वेज है पूरा, वेज वो नॉन वेज। बाप रे बाप, सीरियस है? ये रसगुल्ला है इतना बड़ा? हम लोग खाएंगे ये वाला रसगुल्ला। मसाला, गरम मसाला, मटर का सा, चिकन का सा, चिली चिकन, चिकन पकौड़ा, फिश करी, चिकन बिरयानी, I've come into the kitchen of this place and look at this big gigantic handi. Oh my god, ये क्या है? चावल। ये क्या बन रहा है? दाल। दाल हाँ, इसमें क्या बन रहा है? दाल। इसमें भात। भगवान जी, कोई खाता भी है भैया इतना बड़ा लड्डू? ये बहुत बड़ा, कैसे मैं बताऊँ? मेरा हाथ देख रहे हैं, मेरा एक पाम के हिसाब का है। ये देखिए, ये बनारियन का हाथ देख लीजिए, सच बिग लड्डू एंड रसगुल्ला। तो माय गुडनेस, हु विल ईट दिस बिग रसगुल्ला? वी विल ईट दिस रसगुल्ला। ये यहाँ का स्पेशल है क्या? हाँ, एटा बूंदी लड्डू, एकदम प्रॉपर ढाबा वाला फीलिंग आ रहा है। कितना हांडी दिख रहा है, रसगुल्ला मेकिंग। वो देखिए इतना बड़ा बड़ा रसगुल्ला बन रहा है, बड़ा बड़ा रसगुल्ला है। और लड्डू, वो लड्डू तो देख लिया बूंदी का, बड़ा 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 बहुत बड़ा रसगुल्ला है तो। बहुत बड़ा, ये तो शादियों में बनता है, शादी बीए बाड़ी। चलो हम लोग भी खाते हैं बड़ा रसगुल्ला। ओ ग्रेवी है, ये मेरा क्रैब मसाला जो हम लोग अभी खाने वाले हैं। ओ वाओ, जस्ट लुक एट इट, वाओ, आई एम फीलिंग हंग्री लुकिंग एट दिस। ये लो आ गया मेरा क्रैब मसाला। सो आफ्टर टू एंड हाफ आवर्स ऑफ ड्राइव फ्रॉम पुरी, वी हैव रीच टू चिलिका ढाबा फाइनली। सो दिस इज क्रैब मसाला विच आई एम ईटिंग एंड इसके साथ आई हैव टेकन नान, नो मोर राइस, क्योंकि मैंने पकलाबाद खाया था। आई नो क्रैब मसाले के साथ नान इज़ अ वियर्ड कॉम्बिनेशन, बट आई डोंट वॉन्ट टू ईट राइस एनी मोर। हाउएवर यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, लाइक थाली अगर आप चाहें तो क्यूरेट कर लीजिए, चावल, दाल, सब्जी, भाजा भुजी, चिकन कसा या फिश करी या मटन करी या प्रॉन या क्रैब, एनीथिंग। जिस तरह से वरुण खा रहा है यहाँ पर, ही इज ईटिंग चिकन कसा विथ नान, एंड येस दिस इज हाफ प्लेट एंड ये फुल प्लेट है क्रैब मसाला का। तो चलिए एक पहले एक बाइट लेते हैं। mm,
I love the masala. Now let me tell you one thing. If you don't want to eat in this ambience, you know, thoda sa hygiene and hygiene wala chakkar ho jata, then you can definitely opt for the restaurant, which is an AC family restaurant just opposite footpath. मुझे यहाँ पर खाना था बिकॉज ये सबसे पहले था एंड यहाँ पर यू नो दिस द वे दे पीपल आर ईटिंग हियर इन इन इट्स लोकल वे दैट्स मोर ऑथेंटिक टू मी. बहुत मक्खी है बस ये एक प्रॉब्लम है. हाँ इट्स स्पाइसी द क्रैब मसाला इज स्पाइसी एंड चटपटा इट्स फ्लेवरफुल और यू नो क्रैब का जो एक टेस्ट आता है ना क्रैब मीट का आई वोंट से दैट्स फिशी टेस्ट आई विल रादर कोट इट एज क्रैबी मीटी टेस्ट तो वो बहुत अच्छा आ रहा है. अब क्रैब खाते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर आई थिंक दे हैव गिवन टू पीस क्रैब तो फुल प्लेट में आपको दो पीस क्रैब मिलेगा विच इज़ लाइक मोर देन एनफ. इसका मसाला पहले खा लेती हूँ. वो फैबुलस आई डोंट नो हाउ आई एम गोना ईट इट बट आई विल ट्राई. सी इसका क्रैब लेग्स में उतना ज़्यादा तो मीट है नहीं कि मैं निकाल के क्रैब क्लॉ की तरह उसमें से मीट निकालूँ और खाऊँ. फिर भी बहुत मीट है तो व्हाट आई एम डूइंग आई एम जस्ट च्यूइंग दिस एंटायर पार्ट एंड देन थ्रोइंग. ओके लुक एट दिस एग वाओ दिस इज सो ब्यूटीफुल. कितना अच्छा फ्लैश है. दिस इज द एग एंड दिस इज द फ्लैश. लेट्स ईट. हेवीली डिलीशियस. अच्छा करी चिकन कसा. सी द वीडियो इज गेटिंग लिटिल मेसी बट आई कांट हेल्प. This is how it is supposed to be eaten. और मैं इससे sophisticated way में और खा नहीं सकती इसको. एकदम घर जैसा मसाला बना हुआ है. ना ज़्यादा spicy, ना ज़्यादा तेल, ना ज़्यादा मसाला. एकदम mild spicy. It's spicy, sweet. Crab meat का जो taste होता है वो तो naturally sweet होता है. तो उसके वजह से और टेस्ट अच्छा लग रहा है. दिस क्रैब हैज अ लॉट ऑफ मीट. अगर आप मेरे तरफ प्रो नहीं है क्या क्रैब कैसे खाना है तो मैं आपको और एक तरीका बता देती हूँ कैसे आप खा सकते हैं विद सोफिस्टिकेटेड मैनर. वो है सिंपली इसको उठाइए क्लॉ को और भैया को बुलाइए उधर से. ना भैया तोड़ के दे देंगे फिर आप आराम से बैठ के खा सकते हैं विदाउट मेसिंग योर हैंड विदाउट मेसिंग एनीथिंग ऑल अराउंड. सो व्हाट ही इज डूइंग ही इज पुटिंग द क्लॉ इसके अंदर. हाँ डाल दीजिए. ये क्या क्लॉ इसके अंदर और फिर इसको तोड़ेंगे मार मार के. वो हो यार देखिए टूट गया ये पूरा. अच्छा 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 वो पहले हल्का स्मैश किया फिर इसमें स्मैश करके पूरा ही टूट गया. ओह परफेक्ट. ये देखिए यू कैन सी अब इसमें से मीट ऐसे निकल गया. नाउ यू कैन ईट इट आराम से. इफ यू डोंट वांट टू गो ऑन अ मेसी वे देन जस्ट गो ऑन अ जूसी वे. आस्क द भैया ही विल ब्रेक द क्लॉथ फॉर यू देन यू कैन सिंपली. So basically, tick, 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 and then dig in. Yeah, this is good. I like it. But मैंने घर में मैं ऐसे खाती हूँ कि जो अंदर से भी नहीं निकलता है उसको मैं ऐसे करके निकाल के चम्मच क्लॉ को एक चम्मच बना के फिर खाती हूँ. You know, crab meat, hilsa fish, इन सब का meat is very tasty, juicy, but इनको खाने में बहुत मेहनत लगता है. बस कर
इट्स एडिक्टिव, कांट लीव, यू कैन सी वेरी वेल. वो तो मैंने सारा पार्ट काट दिया, बट डोंट सो, दिस इज वेरी नास्टी. बट दिस मीट ईटिंग क्रैब इज एडिक्टिव. यू डोंट फील लाइक लीविंग ओनली. This delicious meal at Chilika Dhaba is definitely incomplete without this big rasgulla. You can see this rasgulla is so big. Like aap dekh sakte ho, like so big. So let's eat. Wow. Aur ye garam garam abhi just bana ke diye hai. To main is rasgulla ka 2 piece karungi. In fact 2 bhi nahi. Ye 4 rasgulle ka ek rasgulla hai. Okay. Very steady go. Cheers to an amazing day, an amazing food vlog. Hope you enjoyed it. Now I will enjoy rasgulla. ये रोगन लगाना चाहती कहाँ आएगा? तो हम लोगों के जोरा मंदिर में कालका पब्लिक स्कूल के वहाँ पर जो दादू बनाते हैं ना रसगुल्ला, गरम गरम गुड़ का रसगुल्ला, जितना सॉफ्ट होता है एग्जैक्टली वो है. सॉफ्ट, इट्स नॉट च्यूई, रबड़ वाला नहीं है, हल्का सा वॉर्म है. एंड चाशनी के साथ इट्स लाइक ब्लास्टेड इन माय माउथ, एंड इट वाज लाइक सोलफुल ब्लास्ट इनसाइड माय माउथ. नाउ आई एम हेडिंग टुवर्ड्स गोपालपुर बीच, क्योंकि सुबह पूरी बीच बंद था तो मेरा हो नहीं पाया. बट गोपालपुर बीच इज मोर और लेस सिमिलर टू लाइक पूरी बीच. मैंने बस क्या किया है, चेंज कर लिया सो दैट आप वीडियो से बोर ना हो जाए उस सेम कपड़ों से, इसलिए मैंने ऊपर का कपड़ा जो है चेंज कर लिया. और वैसे भी अब शाम का टाइम हो रहा है तो थोड़ा ठंड होने वाला है, बीच में भी ठंड होने वाली है, तो इसलिए आई हैव टू चेंज सो दैट यू ऑल्सो फील फ्रेश, आई ऑल्सो फील फ्रेश, एंड वी ईट टुगेदर डिलीशियसली, यू वर्चुअली एंड मी इन रियल लाइफ. तो चलिए चैनल को करिए लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. बीच कितना दूर है? बीच नजदीक है, खुला है, खाने का सब है, स्टॉल सब है. So when it comes to Odisha, you definitely need to check out the beaches up here and gorge on the delicious seafood. So abhi main aayi hu first sea beach jo hai wo hai Gopalpur, which is near to Behrampur. Ye beach mere ko zyada happening nahi lag rahi hai, thodi choti hai, comprised hai. To sea beach pe kuch nahi baitha hai, sea beach ke upar aise counters bane hue hain, wahan par aapko sare khane ke stalls mil jayenge. So first and first I am doing a ghatal with kuch kaam. Wo jhal kaam bigad raha. पानी इज ऑलमोस्ट ओवर. पानी में आई कैन सी मिर्ची, धनिया पत्ता लुक्स डिलीशियस, पुचका लुक्स डिलीशियस, एंड द भैया लुक्स हार्ड वर्किंग, एंड दिस भैया लुक्स बेकार. ये बिना झाल है झाल है भैया, पुचका थोड़ा बड़ा दीजिए प्लीज, वो बड़ा पुचका दीजिएगा. लहसुन डाला है पुचका में, किसी में लहसुन डाला है, पानी में लहसुन डाला. पानी इज सुपर सॉलिड, सुपर गुड. सो यहाँ पर एज यू कैन सी यहाँ पर भी एक चाट सेंटर है, वहाँ पर भी चाट सेंटर है, और यहाँ पर आपको ये सब सामान भी मिल जाएगा अगर खरीदना है तो. हाउएवर हमने यहाँ से कुछ का खाया है, ये जो नेम ऑन राइस के पास वाले दुकान से. नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स वी कैन ईट. नो वहाँ का बाप भी उधर चले एक बार, इधर इधर. ओ लॉट ऑफ फिश, फ्राइड क्रैब, फिश, क्रैब, फिश. ओ माँ कितना बड़ा क्रैब है. आई विल ईट दिस, दिस इज गुड, बट ये लेके फायदा नहीं है बिकॉज इसमें सिर्फ छिलका छिलका है. हमको ये प्लेट दीजिए एक, ये वाला इस, ये कितना करके है क्रैब? 50 का एक, एक दे दीजिए. ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा है का? नहीं, ये 100 रुपये, 100 रुपये का एक पीस. नहीं वो वाला दीजिए. यू लीड चाउमीन? हाँ मेरे को ये फ्राई खाना है. ये दिस अ बेबी सॉफ्ट शेल क्रैब. ये कौन सा फिश है? नाम ही नहीं सुना कभी मैंने. टेंगड़ा इतना बड़ा? भांगड़ा बोला, टेंगड़ा नहीं. तो ये आ गया मेरे पास सॉफ्ट शेल क्रैब फ्राई,
मैं बहुत ही क्रैप खा रही हूँ, कुछ ज़्यादा ही क्रैप खा रही हूँ। आप देख सकते हैं ये पूरा गोटा क्रैप को फ्राई कर दिया है। इट्स लाइक वूहू। सो सॉफ्ट शेल क्या होता है? इट्स ईजी, आपको डी शेल नहीं करना पड़ता, आपको शेल हटा के उसमें मीट नहीं खाना पड़ता है। दिस आर सो सॉफ्ट कि आप इस शेल को ही खा जाओ। दिस इज एडिबल, लाइक द शेल्स आर एडिबल, इट्स नॉट हार्ड, राइट? यस, सो लेट्स डिग इन। आपको जो मीट है ना वो इस सेंटर पार्ट पे मिलेगा, इस लेग्स में एज सच कोई मीट मिलेगा नहीं। चिली सॉस के साथ अच्छा लग रहा है। नाइस। इट्स लाइक क्रिस्पी चिकन वैसे क्रिस्पी क्रैब। द मीट इज वेरी फ्रेश एंड इट्स वेरी स्वीट एंड एज यू कैन सी इट्स सच वाइट इन कलर। बहुत टेस्टी लग रहा है। दिस इज फॉर 50 रुपीज वन पीस। नाउ लेट्स ट्राई द प्रॉन। यहाँ पर 1 2 3 4 5 पीसेस प्रॉन दिया है। 100 रुपीज। यू ईट प्रॉन? यू वांट ट्राई प्रॉन? टेक। यू डोंट ईट प्रॉन, आई नो। माय सिंजू आल्सो डजंट ईट प्रॉन। को भी डीशेल करके नहीं खाना, बट फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ प्रॉन मीट। हाउ डज दिस लुक? मैं इसका हेड नहीं खा रही हूँ। नाउ लेट्स ईट। ओह, दिस इज सुपर डिलीशियस। इट्स बेटर देन द क्रैब। सुपर फ्रेश एंड ये वाला जो पैटर्न है ना विच इज फ्राइड वन, ये इसमें बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स क्रिस्पी, ऊपर से चटपटा चाट मसाला दिया हुआ, उसके वजह से भी टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है। वरुण उधर बिस्किट खिला रहा है गाय को और बूर्स को। ओए, नो नो नो, आई नो, शेयरिंग इज केयरिंग। वाह, बहुत मीठा यार, इट्स गुड। आई लव सी फूड। Eating is this kebab, which is एक बटर चिकन कबाब है और एक नॉर्मल टिक्का कबाब है विद दिस ग्रीन चटनी एंड प्याज। दैट ठंडा ठंडा ब्रीज इज सो गुड, यू नो एकदम मूड बना रहा है। आप लोगों को आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है? पर मुझे समुद्र की पानी की लहरों की आवाज़ आ रही है। दिस आर सो सॉफ्ट, एकदम छोटे छोटे क्यूब्स है। वेरी सॉफ्ट, वेरी नाइस, वेरी फ्लेवरफुल। द बटर कबाब इज वेरी टेस्टी, वेरी टेस्टी। Spicy up, it's very good. Try the red one. The butter one is very tasty. So spicy up. यहाँ पर और कुछ ऐसे सानी पॉपकॉर्न है, फिर कुछ का चाट, बस यहीं से भी और कुछ सानी, थोड़ा सा चाउमीन। वो जहाँ से हमने फिश लिया वहाँ पर चाउमीन चिली चिकन मिल रहा था, बट दैट वॉज नॉट एपेटाइजिंग। सो बट अ गुड प्लेस, यू कैन कम। लेट्स सी पूरी बीच में क्या मिलता है हम लोगों को, विल एक्सप्लोर दैट। खतरों के खिलाड़ी बन रही है, मेरा जूता गंदा हो जाएगा। आप जहाँ खड़े रहोगे वो पानी खुद आके आपके पाँव को छुएगा। इस बार वाला तो भाग गया तेरे से।